मेरठ में आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरठ के आरजी पीजी कॉलेज में जिला राष्ट्रीय एकीकरण समिति से शनिवार को संस्कृति एकता और धार्मिक प्रार्थना सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर अर्चना शर्मा वे मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह द्वारा किया गया। महिला दिवस पे बस मेरा यही निवेदन है सभी लोगों से, महिलाओं से भी और पुरुषों से भी, कि आपसी जितना भी हमारा महिलाओं को हम आगे बढ़ावा दे सकें उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहें, ताकि क्योंकि जो एक प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी द्वारा दोनों के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक जो हमारा मुहिम छिड़ी हुई है उसको हम सार्थक बना सकें। क्योंकि जब तक हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता तब तक मैं समझता हूँ कि हमारा देश भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। तो हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें महिलाओं को पूरा सहयोग करके आगे बढ़ावा देना चाहिए। सर, सरकार कहीं ना कहीं बेटियों के लिए इतनी सारी योजनाएं लाती है, इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध करती है, लेकिन फिर भी आज भी बेटियां महसूस नहीं है। देखिए, सरकार अपनी तरफ से योजनाएं ला सकती है लेकिन उनको सुचारू रूप से धरातल पे वो कामयाब जब होंगी जब हम लोग भी अपनी तरफ से एक आम इंसान भी उसमें पेड़ ले। क्योंकि जब तक हम लोग खुद उस चीज़ में इंक्लूड नहीं होंगे तो सरकार क्या करेगी। तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि सरकार के साथ साथ हम सहयोगी के रूप में एक आम इंसान होने के नाते उन योजनाओं को सफलतापूर्वक सफल कर सकें। महिला दिवस ही नहीं सांस्कृतिक एकता और सर्वधर्म समान है इसका भी एक आयोजन किया गया है, जिससे कि हम अपने बच्चों को संदेश दे सकें। महिला तो हम लोग हैं ही, महिला सशक्तिकरण तो हमारा मेन मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह है कि सांस्कृतिक एकता और सर्वधर्म एक है। हमारे विद्यालय में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और सभी संस्कृति से लोग आते हैं, तो हम लोग हमें समय समय पर उनको यही शिक्षा देते रहते हैं कि हम सब लोग एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ते हैं। टीचर एक टीचर होती है, वो सभी बच्चों को ये नहीं देखती कि कौन से धर्म के बच्चे हैं, कौन सी संस्कृति से आ रहे हैं। तो ऐसे ही सब लोग मिलजुल के, मैं देखती हूँ कि कैंटीन में है तो सभी बच्चे बैठे हैं, वहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं। तो ये बच्चे अभी से, मतलब उनको हम साथ साथ ये भी शिक्षा देते रहते हैं कि जैसे आप लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते हो, एक साथ रहते हो, वैसे अपने घर में भी अपने बड़ों को या जो भी है उनको बहुत ही आदर सत्कार के साथ ये बताओ कि सब धर्म एक हैं, ईश्वर ने सबको एक सा ही पैदा किया है, सभी के एक नाक है, दो आँखें हैं, सभी एक ही हैं। ईश्वर ने जब कोई धर्म का भेदभाव नहीं करा तो हम ही क्यों करें।